हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए पालक पनीर की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक लिया है और पालक को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और अब हम इसको धो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर धोकर पालक को अच्छी तरह से, इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया है और इसको हम बॉईल कर लेते हैं। पालक को बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये थोड़ी देर में ही बॉईल हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा पालक बॉईल हो गया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको जार में डालकर पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसको छोटे टुकड़ों में काटा है और 4-5 हरी मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है और लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं और खड़े मसालों में मैंने लिए हैं 3-4 तेजपाल के पत्ते और 2 दालचीनी के टुकड़े, 5-6 साबुत लौंग और 5-6 ही मैंने काली मिर्च ली है और 1 मैंने लिया है स्टार फूल। तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया है और पनीर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहो तो कैसे भी टुकड़े यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं पहले इन्हें लंबे आकार में काट लूँगी, उसके बाद में मैं इनको छोटा छोटा कर लूँगी। तो बस मैं इसी तरह के टुकड़े कर लूँगी। आप चाहो तो जैसे भी मनचाहे टुकड़ों में इसको काट सकते हो। तो मैं बस इसी तरह के छोटे छोटे पीस इसके करूँगी। तो देखिए, मैंने इसी तरह से सारे पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनको भी मैं जार में डालकर पीस लूँगी। तो ये देखिए, ये हो गए हमारे टमाटर तैयार। उसके बाद मैंने पालक को भी इसी जार में डालकर पीस लिया है। तो यहाँ पर हमारा पालक भी तैयार है। तो कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और हम इसको गर्म कर लेते हैं और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देते हैं और इसको भी हम गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे जीरा और जीरा चटकने के बाद इसमें डाल देंगे अपने तेजपाल के पत्ते और स्टार फूल। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें दालचीनी, उसके बाद मैं इसमें काली मिर्च और लौंग को भी डाल दूँगी और साथ ही में हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और इनको हम मिला लेते हैं। और चलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, इसको भी अच्छी तरह से चला लेंगे और इनको हम भून लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर गुलाबी होने तक अच्छी तरह से प्याज को भून लेना है। इनको भूनने के बाद हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच हरी मिर्च और 1/2 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और इसकी रंगत भी इससे अच्छी ही आएगी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे।
जितनी अच्छी तरह से हमारे मसाले भुनेंगे उतनी अच्छी तरह से इसमें कलर आएगा और टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो हमारे मसालों को काफ़ी अच्छी तरह से हमें भूनना है। अब हम डाल देते हैं इसमें पिसे हुए टमाटर, इनको भी अच्छी तरह से चलाएंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से पकाएंगे, इससे कि इसमें इसका कच्चापन नहीं रहेगा और कच्चेपन का टेस्ट भी इसमें नहीं आएगा। जितने अच्छे से हमारे टमाटर का पेस्ट पकेगा इसमें, उतना ही अच्छा हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं अपना पिसा हुआ पालक। आप जितना भी चाहे इसमें पालक ले सकते हो, कम ज़्यादा पालक जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। तो यहाँ पर भी हम इसको मिला लेते हैं और इसको भी काफ़ी अच्छे तरह से हम पकाएंगे। पकने के बाद पालक का कलर भी चेंज हो जाएगा, अब कि ये ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा है। उसके बाद में पकने के बाद में ये हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पालक का कलर भी चेंज हो गया है और हमारा पालक भी पककर तैयार है और पालक का कलर भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर, जिसको मैंने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में रखा था। तो पनीर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसको हम पकने देंगे। पकने से पनीर में मसालों का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा, इसके अंदर तक उसका फ्लेवर चला जाएगा। उसको हम अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तरह से हमारा पनीर पक रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पनीर पालक बनकर तैयार है और काफ़ी बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा लुक्स इसका बढ़िया है। तो देखने में ही नहीं खाने में भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये पालक पनीर की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।